इस्तीफा कर दिए हैं मंत्रिमंडल से, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए उनकी अपनी बात है, वो दो तरह की बात बोल रहे थे। पहले तो वो बोल रहे थे कि हम NDA का सिपाही, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा NDA के वो सिपाही नहीं है, अगर होते तो ऐसा नहीं करते, तो इसलिए ये उनकी बात है, उस पर हम यही कह करके और कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। सर, चिराग को 5 सीट मिला जबकि आपको मात्र 1 सीट मिला, इस पर आप कितना संतुष्ट हैं? आप मेरे पॉलिटिकल जीवन को समझिए, 1980 में हम टिकट मांगा था, टिकट मिला, उसके बाद एकदम ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि 80 के बाद न तो मैंने टिकट मांगा, न तो मंत्री पद मांगा, और मुख्यमंत्री का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन सब मिला। उसी प्रकार से जब नीतीश कुमार जी शर्त रख दें कि हमारे पार्टी में मर्ज कर जाओ, हमारे सारे रैंक एंड फाइल ने बताया कि नहीं मर्ज नहीं करना है, एक कन्वे किया तो उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, तो हम बाहर आ गए। और धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कि जैसे ही बाहर आए 2 दिन के अंदर ही हमारा बुलावा वहाँ आया और हम वहाँ गए और हम कहा कि हम पूर्ण समर्पण के साथ आपके साथ आए हैं, हमारा कोई टर्म कंडीशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि जितना अहमियत नरेंद्र भाई मोदी जी जीतन मांझी को दिए हैं, देते हैं, जो सब आप लोग जानते हैं, चाहे उपयोग की यूनिवर्सिटी NDA की बैठक में हमको तरजीह दिया, वो रिसीव करने में उनको तरजीह दिया कि नड्डा के पास हमारा ही नंबर था, फिर वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर भी किसी को नहीं बोले, हमको बोले जीतन जी आप भी माल्यार्पण कर लीजिए, तो ये क्या शो करता है। फिर हमारे प्रति विधानसभा में बिहार में कुछ बातें हुई, हम उसको बुरा नहीं माना, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि हमारी चर्चा उन्होंने तेलंगाना की मीटिंग में किया, राजस्थान की मीटिंग में किया, तो हम तो इसी से गदगद हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतना हमको, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, वो हमको इतना तरजीह देते हैं, तो सीट तो इमेटेरियल है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सीट उन्होंने गया कर दिया, हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और हम वो आदमियों से नहीं है कि हमको 2 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए, वो नहीं है। और जहाँ तक समर्थन की बात है, हमारे पास 10% वोट एकदम है, जहाँ हम चाहेंगे 10% वोट जाएगा, इसलिए हम NDA को 400 सीट मिले बिहार में, इसके लिए हम सारा शक्ति लगा देंगे। और नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री से तीसरी बार हो जाएं, और जो कह रहे हैं कि 400 सीट से ऊपर लाएंगे, उसमें हम उनको तन मन धन से सहयोग करेंगे। कब नॉमिनेशन कर रहे हैं सर आप? नॉमिनेशन अब हमारे सिपाहसालार तो भाई संतोष कुमार सुमन जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन नियुक्त करेंगे उस दिन नॉमिनेशन करेंगे। वैसे नॉमिनेशन करने के लिए सारी प्रक्रिया के लिए हम तैयार हैं। ठीक।